जी तो दोस्तों आज के आई के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंग्लिश के वर्ड क्लॉक के तीन डिफरेंट मीनिंग क्या क्या होते हैं क्लॉक को हम एज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं और इसे ऐसा वर्ब इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता है इस परपज़ के लिए हम इंग्लिश में तीन या चार सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर होगा एक टेस्ट तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफ़ेक्ट का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल दोस्तों जब हम क्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में घड़ी आती है ख़ास तौर पे वो घड़ी जो हम दीवार पे बड़ी सी टांगते हैं उसको क्लॉक कहा जाता है या मोर स्पेसिफिकली उसको वॉल क्लॉक कहा जाता है इसी तरह हाँ, अगर आपके uh, टेबल के ऊपर जो क्लॉक पड़ी होती है छोटा सा टाइम पीस उसको टेबल क्लॉक कहा जाता है तो सबसे पहले क्लॉक का मीनिंग है घड़ी का और अगर इससे रिलेटेड मैं सेंटेंस बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा प्लीज़ हैंग द क्लॉक ऑन द वॉल के बरए मेहरबानी कृपया करके घड़ी को दीवार पर टांग दें तो नाउन के तौर पे क्लॉक का मीनिंग है घड़ी इसके अलावा भी जो क्लॉक को हम नाउन के तौर पे एक और मीनिंग में यूज़ करते हैं जिसे आपने देखा होगा कि जो स्टॉकिंग्स होती हैं जो पजामे होते हैं उनके नीचे एंकल पे जो होता है एक कढ़ाई की होती है तो उस चीज़ को कढ़ाई कड़ा, को जो गोल घुमाया होता है उसको भी क्लॉक कहते हैं और ख़ास तौर पर वो कढ़ाई जो होती है किसी जेवर की सूरत में की जाती है तो उस चीज़ को क्लॉक कहा जाता है है इसी तरह क्लॉक को हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और इसका मीनिंग अगर आप रफ़ली समझना चाहें कि अब देखें अगर तो मैं टाइम के लिए बात करूं कि मैंने नौ घंटे काम किया तो मैं उस वक्त क्लॉक का वर्ड जो है वो एज़ अ वर्ब टाइम के लिए यूज़ कर सकता हूं अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं और हमने हाई स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर पे नोट की तो उसको भी हम कहेंगे कि हमने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्लॉक किया तो किसी भी चीज़ को रजिस्टर करना नोट करना उसको क्लॉक करना कह सकते हैं खासतौर पे पर टाइम को स्पीड को या फिर जिस आपने फ़ासला तय किया कि आपने 10 किलोमीटर का फासला क्लॉक किया 20 मिनट में तो उस वक्त भी आप क्लॉक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई क्लॉक्ट टेन आवर्स ऑफ वर्क कि मैंने दस घंटे काम किया और, और इसको क्लॉक करना ये भी कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो फैक्ट्रीज होती थी ना तो जब आप फैक्ट्री में दाखिल होते थे तो आप क्लॉक इन करते थे कि मैं आठ बजे दाखिल हुआ हूँ और जब आप बाहर जाते थे तो फिर आप आउट करते थे कि मैं छः बजे जा रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया कि आपने उस दिन आठ घंटे काम किया तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने दस घंटे काम किया आई क्लॉक्ट टेन आवर्स ऑफ वर्क इसी तरह हम कह सकते हैं कि वी क्लॉकड वन फिफ्टी किलोमीटर पर आवर ऑन आवर न्यू कार हमने अपनी नई गाड़ी गाड़ी पर को 150 किलोमीटर पर आवर तक चलाया वी क्लॉक 150 किलोमीटर पर आवर ऑन आवर न्यू कार हमने अपनी नई गाड़ी पर जो हाई सबसे हाई स्पीड को रजिस्टर किया नोट किया वो थी एक सौ पचास किलोमीटर पर आवर दो सो उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड क्लॉक का मीनिंग समझ आ गया होगा टाइम हुआ है एक्सरसाइज का तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड क्लॉक को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें मिलेंगे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप एन्जॉयिंग गुड डे